गया आपका मकान, तो फिर मैं चलूं? अरे रुक जा, चल कर एक कॉफी तो पी लेना। चलिए, आप इतने प्यार से कह रही हैं तो पी लेते हैं। संभल कर दादी, थोड़ी सी कॉफी देना। हाँ लेके आती हूँ। ये क्या है दादी, आपने कहा था मैं ना भागी हूँ ना भागूंगी, तो इतने सारे कप कहाँ से हैं? अरे ये सब मेरा नहीं, मेरी पोती का है। अरे बेटा इन चीजों को हाथ मत लगाना, पोती को गुस्सा आ जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है दादी, ठीक है। नो कॉस्ट, हमेशा नेटवर्क का लफड़ा। ये ले बेटा कॉफी। थैंक्स। और बढ़िया दादी। दादी माँ, नई गाड़ी लेकर आई हूँ, पूजा करनी है, जल्दी आओ। ये कौन है, आवाज सुनी भी लग रही है। अब यहाँ भी पहुँच गई, पुलिस के हाथ में बुरी तरह फंसा कर टांग दे के चली गई। अब यहाँ क्या लेने आई हो? ये मेरा घर है। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं दादी माँ को ड्रॉप करने आया था। ड्रॉप करने का ही काम करते हो? जाओ। अरे जरा रिस्पेक्ट से बात करो दादी। अरे क्या बात है गीता। दादी आज इस आदमी की वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। मुझे किसने बर्बाद किया? पापी, जब तूने पैसे के बारे में पूछा तब मैं समझ गई थी कि तू कितना गिरा है। रुको, सच कहो ना दादी। तू चुप कर। अरे दादी माँ, हम जिस प्रोजेक्ट पे एक साल से मेहनत कर रहे थे वो इसकी वजह से हमारे हाथ से चला गया। एक नंबर का मनोज है ये करा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ पानी में। अरे भगवान, इतना नुकसान किया। सॉरी बेचारा, बहुत अच्छा इंसान था। दादी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अरे आप दोनों झगड़ा बंद करो। दादी ये भंगार से डब्बे जैसी स्कूटी लेकर आई है, आप चल के उसकी पूजा कर दीजिए। ज्यादा हो गई। क्या है कि मेरी गाड़ी की ब्रेक सही नहीं है और मेरी किस्मत भी सही नहीं है। अरे दादी यहाँ पर एक स्कूटी जैसा कुछ था वो। सॉरी, बड़े लफड़े में फंस गया यार। बर्बाद कर दिया मुझे। मैं बर्बाद हो गई, जब से तेरी मनोज शक्ल देखी है ना। अरे रुको, आप नाराज मत होइए दादी, इससे कोई भूत तो नहीं आ गया? लगता है कुछ आया है दादी, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ो दादी। मेरी हीरोइन जैसी स्कूटी को तूने आइटम गर्ल बना दिया। अरे यार, कोई बहुत खतरनाक आत्मा है। नीतू ला तलवार। अरे जोगी बच्चों को खेलने की चीज नहीं है। अरे कूल, इसे जिस तरह तू घुमा रही है ना, अगर छू भी गई ना तो गर्दन उड़ जाएगी। अरे रुक यार, समझ ही नहीं रही। अरे गाड़ी ले जा। ठीक है, हाँ ओके, ले जा रहा हूँ, ले जा। ये गाड़ी नहीं, हाँ कौन सी वाली? वो वाली। हाँ ठीक है, कूल। इसका बस्ती पंजर ढीला हो गया, कैसे उठाऊं, कैसे चलाऊं? अरे ले जा रहा हूँ। पहले इस गाड़ी को रिपेयर करके लाओ, तब तक ये गाड़ी मेरे पास रहेगी। हाँ ठीक है मैडम। मैडम गाड़ी संभाल के रखना मैडम, ठीक है ना? मुझे मालूम है, चली गई। इसे तो सब मालूम है। क्या हुआ? जैसी मैं हूँ मेरी गाड़ी बिल्कुल वैसी है। पैदल ले जा, पैदल ले जा, चल 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 यहाँ से। हाँ
इस भूतनी को अंदर गए बहुत देर हो गई है। पता नहीं अंदर जाके क्या आतंक मचा रही होगी। हम लोग अंदर जाके जरा देखें क्या। हाँ चल चल कर देखते हैं। मामा बहुत अच्छे मूड में। भूतनी के बगल में एंजल खड़ी है। दोनों कितनी अच्छे से बातें कर रही है। एंजल आथो एंजल नहीं कहता मामा, एंजल देवकन्या। लार मत टपका और देखो। हाँ देखता हूँ अभी। जैसा बोल रहा था वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या सच में साक्षात देव कन्या? आगरा का टिकट बुक करना ही पड़ेगा। क्या काम है? नहीं नहीं कुछ नहीं। थैंक यू। चाबी मिल गई क्या? क्या कहा तुमने? जो सच था। अरे हटा ये रजनी स्टाइल मत बता, जो सच है वो बता। तो फिर सुनो, तुम्हारे बैड लक के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। पूरी हिस्ट्री सुना डाली क्या? स्कूल से लेकर अब तक जो भी स्वाहा हुआ फ्रेम टू फ्रेम बता दिया। क्या कहा उसने? गाड़ी रिपेयर होने के बाद उसे मत भेजना, तुम ही लाकर दे देना। ऐसा क्यों कहा? तुम दोबारा यहाँ आओगे तो ये घर भी स्वाहा हो जाएगा, ऐसे मैंने उसे कहा। अरे सुन सुन, क्या है? इस तरह मुँह पे दरवाजा नहीं मारते, इंसल्ट होता है। चल जा रे। मेरे कान बंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। थोड़ी सी बेइज्जती जरूर होती है, लेकिन जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम्हें ही पाता हूँ। वो तो मैं हूँ भांजे। मामा डिस्टर्ब मत करो यार, मैं अपनी लाइंस भूल जाऊंगा। ओके ओके। तेरे बिना बिना जर्दी का अंडा हूँ मैं, बिना आलू का समोसा हूँ, फ्यूज हुआ बल्ब हूँ, तू मेरी राहों में रोशनी फैलाती कैंडल है। कैंडल बुझा के अंधेरा कर दो क्या? तू अपनी हद पार कर रहा है मामा। और तू क्या कर रहा है? कुछ फील ला भांजे। क्या 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 कहा? फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि बटन दबते आप। जब भी कुछ कहो प्यार से, सही तरीके से, रोमांटिक होके कहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मामा? पहले अपनी शर्ट का बटन लगाओ। ओके ओके। कम ऑन। बिल्डअप हो गया यार, अब डायलॉग बोल। हे जिस वक्त तू मेरी गाड़ी में बैठी थी उस वक्त मेरे दिल का दरवाजा अपने आप खुला। मिरर से देख रहा था मैं तेरा मासूम चेहरा, तेरी जुल्फों और आंखों के बीच हो रही वो कश्मकश, गुस्से में तिल मिलाता तेरा चेहरा। हाय शायरों ने सच ही कहा है, प्यार किसी से एक ही बार होता है। जाने मन जब से देखा है तुझे और जब भी मैंने तेरी आंखों से आंखें मिलाई, मोहब्बत ने हर बार दस्तक दी है। अपनी हर खुशी मैं तुम्हें दे दूं और तुम्हारी जिंदगी के सारे गमों को मैं ले लूं, दिल की ख्वाहिश है तेरा गुलाम बन जाऊं। आई लव यू, आई लव यू। दादी जी, तू मुझसे इश्क लड़ाता है? देखिए दादी जी, उस दिन तूने मुझे ड्रॉप किया, इसीलिए अच्छा लड़का समझकर मैंने तुझे एक कप कॉफी पिलाई थी। अब तू मुझे पे ही डोरे डाल रहा है। तू बुढ़ाओ है? नहीं दादी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अबे तूने अपने बाबा का नाम मिट्टी में मिला दिया। जिसके मुंह में बत्तीसी नहीं है उसको तो लाइन मार रहा है। अबे तेरा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? नहीं मामा नहीं। अरे गलती से रॉन्ग नंबर लग गया। ये अबे तेरे इस हरकत से कहीं उसे हार्ट अटैक आ जाए। यही है वो जो रेप करने आया था। दादी माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी है। मैं तो जा रहा हूँ। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊँ माँ, टाइम ही खराब चल रहा है। ये बात तो सारा गांव जानता है। बोल बोल और बोल। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा राजा महाराजा बन जाएगा। राजा महाराजा? दादाजी शुरू हो जाइए। राजाओं के राजा, राजा मार्तंडे, वीर केसरी, गजपति, भूपति, श्रीपति, तिरुपति, पधारे हैं, पधारे हैं, पधारे हैं। मम्मी देखो ना मम्मी। जस्ट इग्नोर देम,
जानते हो कल मंदिर में बहुत बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, उनके पास जाके तेरी जन्म पत्री दिखाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। बेचारे वो साधु महाराज को अब भगवान ही बचाए। कल कौन आ रहा है मम्मी? ये एकदम स्वामी लगता है। कैसी हो पुत्री? आपकी कृपा योगी, वो शिव भी तुम्हारे चेहरे पर तांडव कर रहा है, धिंकड़ा धिंकड़ा। बोलो पुत्री क्या समस्या है? इसकी जन्म पत्री दिखानी थी। जन्म पत्री का थू थू थू। क्या है ये किस मनहूस की पत्रिका है? क्या है ये पत्री? सारे एक ग्रह पटरी से उतर गए हैं और स्टेशन के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। थू भटकते भटकते उनके पावों में छाले पड़ गए हैं। थू 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 थू। इतनी रद्दी जन्म पत्री मैंने पिछले 7 जन्मों से नहीं देखा। उड़ जा। अरे क्या हुआ? तू भी, तू तो बता रही थी बहुत बड़ा ज्ञानी है ये। अभी जाके अपनी कुंडली ला दो। स्वामी जी कुछ तो करिए। रेलवे मिनिस्टर नहीं है पुत्री? क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपको पैसा चाहिए ना, ये लो रख लो। मेरी कुंडली मुझे दे दीजिए बाबा जी। कहा ना, नहीं दूंगा। अरे वो बेकार की कुंडली है, दे दीजिए। क्या क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना जोर से चिल्ला रहे? मैंने सिर्फ कुंडली मांगी है, तो दे दीजिए ना। एक ही कॉपी है मेरे पास, माँ मेरा दिमाग खा जाएगी। दे दो ना बाबा। ये बहुत महान जन्म पत्री है। ये किस श्रेष्ठ इंसान की जन्म पत्री है पता है तुम्हें? आपको क्या मैं कोई जोकर नजर आता हूँ बाबा? उस बाबा ने इसे बकवास कह के उठा के फेंक दिया और आप इसे एकदम महान बोल रहे हैं। आप दोनों एक ही नाटक कंपनी के क्या? बाबा दे दो ना मेरी कुंडली। नहीं मम्मी, देखो ना मम्मी। तुम कौन हो? तुम जानते हो क्या तुम्हारे दादा कितने महान पुरुष थे पता है तुम्हें? वो जिस जगह कदम रखते, जिस मिट्टी को छूले, वो सोना बन जाती है। सोना, पवित्र आत्मा थे तुम्हारे दादा, महात्माओं के महात्मा। बाबा मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे दादा एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, घर में आराम कर रहे हैं। मैं उन्हें प्यार से चित्रगुप्त कहता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, मेरी बातों का तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? चलिए ठीक है, कर लिया विश्वास। चलो मम्मी। अरे आप क्या खड़े खड़े देख रही है, चलिए ना बेटा। इनकी बात कर जाओ, हमारे जन्म का रहस्य तुम्हें नहीं पता है। मेरे सिवा कोई नहीं सुना सकता है। जाइए 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 जाइए। क्या सुनने जाना है तो जाओ, परंतु एक बात सुनने जाओ, एक ना एक दिन तो मुझे ढूंढने में अवश्य आओगे। सुनो बेटी, उस लड़के को देख रही हो जो अपनी माँ के साथ जा रहा है? वो लड़का? ओ भागो यहाँ से। वो एक दिन आएगा, अवश्य आएगा, और आकर मेरे बारे में पूछेगा। तब तुम क्या जवाब दोगी पता है? क्या जवाब दूँ?